साथियों, हम देश की खेती को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए किसानों को मदद दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्राकृतिक खेती और मिलेट पर फोकस के पीछे भी यही ध्येय है। आज गंगा जी के किनारे यूपी में बहुत बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती होने लगी है। ये किसानों को काम कम लागत में अधिक लाभ देने वाली खेती है और इससे गंगा जी जैसी हमारी पावन नदियों का जल भी दूषित होने से बच रहा है। आज मैं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों से भी विशेष आग्रह करूंगा, आपको जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के मंत्र पर ही काम करना चाहिए। आपको एक ही ध्येय के साथ काम करना चाहिए कि दुनिया भर के देशों के डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई मेड इन इंडिया फूड पैकेट जरूर होना चाहिए। आज आपके प्रयासों से ही सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, चंदौली का ब्लैक राइस हो, बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होने लगा है। विशेष रूप से मिलेट्स यानी श्री अन्न को लेकर एक नया ट्रेंड हम देख रहे हैं।